तेरे जैसे दो नीचे लटका के घूमता हूँ, एक हन्नी एक बन्नी। अभी मजा आएगा ना बेड़ू, बूम बाम होगा अभी, रुको। हम विला वापस आए और मैं दौड़ के गई अपने रूम में, मैंने अपना टूथपेस्ट निकाला, मैंने इधर भी नहीं देखा, मैंने उधर भी नहीं देखा, I just ran to his room. जब वो टूथपेस्ट निकल रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर की जो एंगर है सब धीरे धीरे निकल रही थी, एंड आई वॉज फीलिंग सो सैटिस्फाइड। I was just feeling like a badass fucking bitch. This is why you do not mess with Akash Leena. Toothpaste. मेरे कपड़ों पे। अभी मजा आएगा ना बेड़ू, बूम बाम होगा अभी, रुको। जो उनके जो थॉट्स थे ना कि एक मुझे दबाने की कोशिश करी जाए, तो मोहतरमा यहाँ पर आप थोड़ी सी गलत हैं, यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। मैंने उसको बोला भी था, हाथ के साथ मत खेल। I was feeling so fucking happy. I was like, Shivam, it's time to go the fuck out. और जो दिन बाकी है ना तेरे यहाँ पे, I'm going to make sure that you live hell every single fucking day. He has no brain cell. We have a conversation. He has no fucking brain cell. Reply to whatever he's saying. What are you going to do? लड़कों के साथ तो नहीं कर सकते, गांड में तो दम नहीं है तुम्हारा। नहीं है, तुमने चेक किया अच्छे से? लड़कियों के साथ ही करना पड़ता है तुमको। आग लगाइए, जेल लो आप। ये सब मैं जेल जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा। अब कैसे करोगे? देखो, रहोगे तो करोगे ना, कनेक्शन कहाँ है? चलो घर जाओ, परसों ये दो दिन की चांदनी में काम करते चलो। अरे चल, एक हफ्ते में निकल निकल लो रे, पहली फुर्सत में एक हफ्ते में निकल निकल। मैंने जो भी चीजें करी वो कभी भी दायरे से पार नहीं होंगी, वो हमेशा मैं दायरे में रहकर ही चीजें करूंगा। मुंह पे मल गया। जिन कपड़ों पर मेरे टूथपेस्ट लगा था वही कपड़े मैंने उनके ऊपर फेंक दिए ताकि वो धोने में उनको भी तकलीफ हो, मैं अकेले को अपने गंदे कपड़े धोऊं, आप भी धोइए। चल पहली फुर्सत में एक हफ्ते में निकल। जाओ राजा स्पिट में लगा। बहुत बड़े का लंड है तू राजा क्या? तो एक छोटा सा कुत्ता करता हूँ भौंकता भौंकता आया। अरे तू कल आया, कल आने के बाद में तू किंग बन गया यहाँ का। हम मतलब पागल है यहाँ पे, जो हम 15 दिन से यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा चलना चाहिए वहाँ, हाथ थोड़ी चलेगा, अकेला ही ठीक है बेटा, शेर अब कुत्तों के साथ थोड़ी चलेगा। बहुत कुछ हुआ विला में, स्पिट्स विला वॉर बिटवीन शिवम एंड आकाश। यार क्या हो रहा है भाई? हनी बताएगा क्या हुआ है, हनी बताएगा, हनी भी इन्वॉल्वड है इसमें। अरे नहीं, थोड़ा बहुत तो हो गया था सर, थोड़ा बहुत इनका ज्यादा हो गया था, पर ये भाई अभी मैं मेरे मेरी साइड जो थोड़ा बहुत ना, ज्यादा नहीं भाई, तो मैं ये ना गाली सीधा उतरता गाली गलौज पर, मैं उस लेवल पर जाता नहीं हूं। हां तेरी शायरियों से तो बढ़िया मेरी गालियां भाई। अच्छा दिख रहा है वो, दिखता है वो। अब सुन शायरी सुन, तेरे भाई की मर्दी है झाटे, तेरे जैसे लौंडे के रोज मारता हूं मैं चाटे। बहुत ठीक है, कुत्ते एक साथ झुंड में चलते हैं, शेर अकेला खड़ा होता है। शेर नहीं है तू भाई, तू गीदड़ है, तू लकड़ बग्गा, तेरी सब शक्ल भी लकड़ बग्गे जैसी है। अपने डैडी से पूछियो, ओए बहन को बाप पे मचाइयो, ओए चल जा रस्ता लाओ ना चल। तूने अब शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, तेरे को अभी पता नहीं तू नया नया है, मेरे से जिसने भी झगड़ा करा है, वेदर इट बी ऋषभ जोशवा, एक एक करके सब गए। तेरे को मैं बताता हूँ गेम कैसे खेला जाता है। मुझे आराधना से पूछना है कि तुम्हें शिवम के लिए क्या लगता है? I think उन्होंने एक भी बार उनको टच नहीं किया था।
एंड उन्होंने फाइट स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली वो बैठे तो ना रहेंगे. आई वॉज देयर. वो उसके पास भी नहीं गया. ही सेड आराधना मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगा, जो भी मैं करूंगा दूर से करूंगा. शी इज सच अ डिसग्रेस टू वुमेन. And she started first. And she started it first. वो ये सब कर रही है. And खुद जब मीन बातें बोलती है तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो अलग बात छोड़ दो. जो कि जो चीज़ उसने जाके बोली आपको जाके. Start तो उसने ही करा. तुम क्या सोच रहे हो? Start तो उसने नहीं करा. हमारी सोच अलग है. सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ. इसलिए आज का रिश्ते थोड़े कम रखता हूँ. अरे तो गलत तू है तो मुँह पे बोलता हूँ तेरे. तू गलत है. मेरी बात सुन. तेरे जैसे दो नीचे लटका के घूमता हूँ. एक हन्नी एक बन्नी. मैंने तो नाम भी सोच लिए. एक हन्नी एक बन्नी. उल्टे वाला हन्नी है, राइट वाला बन्नी है. चल जा. मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से वो शख्स जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है अपने आपको ऐसे दिखाता है कि वो मास्टरमाइंड है. क्योंकि जब डोम में आपने एक सवाल पूछा था कि कौन मास्टरमाइंड है, तो वो शख्स ऐसे बोल बोल के खुद ही जता रहे मैं ही मास्टरमाइंड हूँ. जैसे उसने बात करनी स्टार्ट करी मैं समझ गया भाई ये इंसान ना मेरे को खिलाना चाहता है. तो ब्रिंग इट ऑन ब्रो. हम डरते थोड़ी ना है किसी से. चलो बेटा. ओके नुनू मुंह खोलो. ऑल बच्चो ऑल मिलो बच्चो ऑल बच्चो. तमीज से ऐसे तो तू मुझे नहीं खिला सकता. तू होगा पिल्ला मैं नहीं. आराम से खिलाया ना. सब इज्जत से खिलाया. इज्जत से खाया. तो बोल रहा है वो थोड़ी ना तेरे मुंह में ठूस रहा है. खा ले खा ले ना. आ देखो ना समझते नहीं है आजकल के बच्चे. मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और अब तक मैंने वही चीज करी जो मैंने बोली है. और जहाँ आती है बात परफॉर्मेंस की तो देख लिया तूने कैसे सबने देखा. मेरा कोई अपने भाइयों का कुछ नहीं है. उसको बोलने तो दे. अब हो गया ना. कोई लड़ने का मन नहीं था. आपके बीच में बोल रही है मोहतरमा. पहले तो लड़कियां आके बात करती है फिर जब लड़का उल्टा बोल दे तो ये लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता. हमें बारी आएगी आपकी तब करिएगा. सुन 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 देख के क्या देखूं. इतना सड़ा इंसान तू. जब मेरा मन तो मतलब खींच के एक लाफा दूं उसको. पर कशिश वाज आल्सो बीइंग लाइक वेरी सेल्फ कंट्रोल. उसने कुछ बोला नहीं वरना मैं तो खींच के चांटा देती. अरे लेकिन आप 50 बातें मिक्स कर रहे हो. उसको जो लग रहा है वो उस हिसाब से खिला रहा है. तू अपना जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स दे सकता है. कशिश नो. उसको जस्टिफिकेशन देने का औकात नहीं है उसकी अभी. बे जाके पहले गूगल कर अपना नाम. लिखा था शिवम चूतिया. हाँ वो तो तेरे पापा है ना. कशिश इतना मारने को उसमें होगा था कि आज ये खत्म कर देगा शिव को. कशिश 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 के फादर नहीं है तो कशिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. कशिश अपना आपा खो देता है. अरे मुझे क्या पता उसे पापा नहीं है यार. मैं भी आया परसों. तुम लोग रह रहे हो हमें कब से. मुझे सब रहे आएंगे क्या. एंड देन मैंने फिर बहुत चिल्लाया क्योंकि मेरे अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन और जितना भी गुस्सा था ना अगर मैं उसको नहीं निकालता ना तो मैं आज शिवम को नहीं छोड़ता. कशिश के लिए ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया. वो रोने लग गया. एवरीबॉडी वाज जस्ट फीलिंग सो बैड. अरे मुझे सपने आ गए कि उसे पापा नहीं है भाई. बता दे सॉरी बोल दे. एक बार तीन बार बोल दिया. कशिश एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. कशिश सुन मेरी बात. सुन आई नो तू बहुत मेरी बात. छोड़ो उसको. छोड़ो इल बी फाइन. कशिश छोड़ो. मेरे साथ है. मेरे साथ है. मेरे साथ है. इधर 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 है. मेरे साथ है. तू सबको छोड़ मेरे साथ है. इधर मुझे पता है ये बहुत गलत हुआ है. कशिश सॉरी यार. नहीं नहीं मालूम है. मुझे नहीं मालूम है. इधर शिवम सॉरी बोल रहा है. हट जा हट जा आई नो. मेरे भी नहीं है. मेरे भी नहीं है. सुन मेरे भी डैड नहीं है. मेरे साथ भी हो चुका है. किसी ने किया तो आई नो व्हाट यू फीलिंग. सॉरी आई अपोलोजाइज. I know what that feeling is. तो पता है तू क्या फील कर रहा है. ये नहीं होना चाहिए था. वो इतना सैड था. वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था. मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली थी उसके लिए. बट आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू नो कि आई एम हियर फॉर हिम. कशिश सॉरी भाई. मुझे पता नहीं था. मैं तीन दिन पहले आया हूँ. आई एम सो सॉरी. तरीका होता है सॉरी बोलने का.
शिवम सॉरी बोल रहा था बीच बीच में कि सॉरी मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं था, बट तब भी उसकी अक्कड़ वही थी। कशिश ठीक है तू? किसी को जाकर ये कहना कि तेरा बाप या तेरी माँ, ये बहुत गलत है। जब बस हनी बोल रहा था तब तो आपने ऐसा नहीं बोला। मैंने उसको भी बोला हुआ है, तू 3 दिन पहले आया है, और तुम ये जस्टिफाई मत करना कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। ओके। बंदे के आंखों में आंसू है, अग्रेशन इसलिए इतना हुआ है, ही इज लॉस्ट हिज फादर। किसी को क्या ट्रिगर कर जाए, अवॉइड करो एक दूसरे के माँ बाप पे जाने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ और सिर्फ तुझे नहीं बोल रहा हूँ। नहीं होती सर, जब हनी बोल रहा था तब तो आपने कुछ उसको बोला नहीं। मैंने उसको भी बोला कि माँ बाप पे मत जाओ। आपको दिख गए मेरी आंखों में आंसू, दिखेंगे ना आपको। मैं तभी मैं कंट्रोल करता हूँ अपने इमोशंस को। आई एम आल्सो वेरी इमोशनली कैपेबल। गाइस माँ बहन की गाली मत दो ना, इट इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेड। मुझे बाद में बहुत रियलाइज हुई चीज कि भाई इट्स ट्रिगरिंग थिंग, क्योंकि इंसान जिसके साथ हुई हो चीजें वही समझ सकता है। फुली फालतू फुली एंटरटेनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फुली फालतू।